वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माई नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट, थोड़ा संभल कर भैया, ये आई एम संबलपुर है। तो आई एम संबलपुर के बारे में आज बहुत कुछ जानने वाले हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, कैंपस कैसा है, कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आरओआई बेसिस में कैसा है, उसकी अभी सैलरी कितनी जा रही है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के एंड तक जान चुके होंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक बटन तो दबा ही दो। ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं पहली बार में मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, शायद अब हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम संबलपुर जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में 6 और आयम्स भी स्टार्ट हुए थे साथ में, ठीक है। इसका फाउंडेशन स्टोन इनकी खुद के कैंपस का, वो अभी रिसेंटली हमारे मोदी जी ने रखा है, ठीक है, हमारे बहुत प्यारे मोदी जी। तो अब समझ लो परमानेंट कैंपस जो है इसका, वो ऑपरेशनल होगा 2022 तक। अभी 2022 तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमें नहीं पता, बट इतना है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो अगले साल तक तो शायद हो ही जाए, तो अगले साल हो जाएगा। तो अब जब जाओगे तो अब डेफिनेटली हो चुका होगा। अब जब आप जाओगे तो न्यू न्यू कैंपस, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम संबलपुर अगर किसी को मिल रहा हो तो चले जाओ। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे आपको कैंपस के अंदर बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। कोर्सेज ऐसे आपको एमबीए मिलेगा, एग्जीक्यूटिव पीएचडी, एमबीए मिलेगा, पीएचडी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव पीएचडी मिलेगा, एमडी भी मिलेगा, एंड सो ऑन। बट हम इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी के लिए जाते हैं और ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है और इसी के लिए आई एम बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, अब ज्यादातर पीजीडीएम, पीजीपीएम ये सब खत्म हो गया है, सारे आईएम्स आपको एमबीए, ऑलमोस्ट सारे आईएम्स आपको एमबीए की डिग्री दे रहे हैं, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा, अब इनकी फीस की सबसे पहले बात करूं तो आप देखोगे जो एमबीए की फीस है, इनकी फीस स्ट्रक्चर जो है, जो लास्ट ईयर की थी, लास्ट ईयर की बात करूँ 659 और प्लस 644, ये फर्स्ट ईयर की फीस थी, सेकेंड ईयर की ये फीस थी, तो इतनी बड़ी, विच इज रफली यू कैन से कि आपको 13 लाख या 14 लाख के आसपास, जब आप जाओगे शायद इतना हो जाए, 14 लाख आपके आसपास हो जाए, ठीक है। तो 13 से 14 के बीच में आपके लिए रहने वाली है, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है, 13 मान के चलते हैं अभी के लिए। अच्छा, बाहर वाले बच्चे जो एनआरआई कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए फीस 10 लाख 44 हजार और 10 लाख 29 हजार, मतलब बाहरों को तो ऐसे ऐसे लूटे जा रहे हैं एनआरआई वालों को, बट सच उनके लिए पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा है, बट है लिटरली उनके लिए बहुत ज्यादा फीस है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो हर एक आयम की तरह इसका भी सेम ही क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए नो मैटर व्हाट, कब आप पास आउट हुए, बस 50% ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी है तो आपके पास 45% तक का है, ठीक है, 45% भी होगा ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा, बट अगर आप किसी और जनरल कैटेगरी से ओबीसी हो तो 50 चाहिए। प्लस अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हो, जस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस शर्त यही है जब आप ग्रेजुएशन हो जाए आपकी तब तक आपका 50% आ जाना चाहिए। थर्ड इज कि आपको कैट का स्कोर तो आपको देना ही पड़ेगा भाई, कैट तो देना पड़ेगा, कैट के बगैर नहीं होएगा, कैट के बगैर सुनेंगे भी नहीं आपकी, ठीक है, तो कैट इज मैंडेटरी। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें चार चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, वन इज योर कैट एग्जामिनेशन, दूसरा फिर होता है आपका पर्सनल अपीयरेंस के लिए आपको बुलाया जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसको उसके बेसिस पे आपकी फाइनल लिस्ट निकलती है जिसके अंदर आपको पता लगता है कि आपको आई एम संबलपुर मिल रहा है, आपको आई एम संबलपुर संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है, आपके करियर को संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है, ठीक है। तो पीए प्रोसेस किस कैसे होता है और क्या है, इसका तरीका है, तो आई एम बोध गया, आई एम जम्मू, काशीपुर, रायपुर, रांची, संबलपुर, सिरमौर, स्पेची, उदयपुर, ये सारे आईएम्स जितने भी हैं, ये है 9 आईएम्स, ये अपना ही एक कैप राउंड चलाते हैं, उस कैप राउंड के अकॉर्डिंगली आपको एक ही बार इंटरव्यू होगा और इन सभी के लिए आपको इवेल्युएट कर लिया जाएगा। वो कैसे होगा और उसका प्रोसेस क्या है, आपको पहले ना कैट में कम से कम इतनी परसेंटेज तो लानी होगी, ये अगर देखेंगे तो कैट के अंदर आपके पास 3 सेक्शन होते हैं और एक ओवरऑल परसेंटाइल आती है, कौन से क्वांट का सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको 70 लानी है अगर आप जनरल कैटेगरी से, डीआई का भी सेक्शन होता है बीएलआर जिसके अंदर 70 लानी है मिनिमम, वर्बल रीजनिंग का भी होता है जिसके अंदर आपको 70 लानी मिनिमम, ओवरऑल आपकी 92 से होनी चाहिए, अगर इससे नीचे आ गई तो आपको कॉल नहीं आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर, अगर इतनी आ गई तो आपको कॉल आ जाएगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, डैप, ये सारी कैटेगरी रहती है, आप कौन सी कैटेगरी से रहते हो, आपको अपना टारगेट मिल चुका है कि आपको कितना लाना है, इतना लाना बहुत टफ है, नहीं बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, 92 तो आसान है यार, ये तो ले आओगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर लड़कियों के लिए, यहाँ पे सिर्फ फीमेल के लिए अलग से उन्होंने बताया हुआ है, जनरल कैटेगरी की फीमेल जो होती है उनके लिए कट ऑफ जो रहेगी वो थोड़ी अलग है, ओवरऑल उनकी कट ऑफ जैसे वहां पर 92 है, यहाँ पे 86 हो जाती है सिर्फ लड़कियों के लिए, और सेक्शनल कट ऑफ उनकी हो जाती है 65, ठीक है। तो अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, और भी आगे आएगा, तो अभी से नाम जपना शुरू कर दो, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो, ठीक है, ताकि जब आप पैदा हो अगले जन्म में तो आपको आयम के लिए इतनी फाइट ना करनी पड़े। अब आगे बढ़ते हैं, जब आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी आपका पीआई के लिए कॉल आ गई क्योंकि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, ठीक है, तो पीआई की कॉल आ गई, पीआई की कॉल के बाद
आपका फाइनल लिस्ट निकलेगी जिसके अंदर आपका कैट का स्कोर भी वेटेज होगी 30%, ठीक है, एंड पर्सनल अपीयरेंस की होगी 20%, प्रोफाइल तो 50%। भाई प्रोफाइल देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 50% वेटेज तो प्रोफाइल की है, तो प्रोफाइल आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आता है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइल के अंदर आपका 15% अकेडमिक रहता है, 15% वर्क एक्स रहता है, डाइवर्सिटी 20%। तो अगर आप फ्रेशर हो और आप मेल हो तो बेटा ये तो आप तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं, याद रखना, क्यों आगे दिखाता हूँ। अकेडमिक के अंदर 10th 12th ग्रेजुएशन को इतना इतना परसेंट दिया हुआ है, और अगर आप देखोगे तो 10th के अंदर आपके 92 से अबव है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके 60 से नीचे तो 0.2 मिलेगा। सेम गोज फॉर द 12th, 0.5, और यहाँ पे मैक्स मिलेंगे 5। और अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी सेम वे रहेगा, तो 92 तो अंडर ग्रेजुएशन में किसी की आने ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, पर उसको 8 मिलेंगे सीधा। तो ज्यादातर बच्चे इसी में रेंज में रहेंगे, इस वाली रेंज में रहेंगे, तो 3.2 या 4 में रहेंगे, और ज्यादातर 10th क्लास में बच्चे इसी में रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क एक्स, जिनके पास वर्क एक्स है गुड, नहीं है तो उनको मिलेगा 0। अंडा 6 से कम है या 6 से है तो 0 मिलने वाला है, 7 से 12 है तो 9, 13 से 24 है तो 12 पॉइंट, 25 से 36 है तो 15 पॉइंट, एंड उसके बाद फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। डाइवर्सिटी की बात करता हूँ, तो अगर आप मेल हो तो भूल जाओ भाई, 0, तभी कह रहा हूँ अभी से जपो क्या, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो, ठीक है। और फीमेल आपका है 15, सीधा 15, मतलब यहाँ से कितनी बड़ी लीड ले जाएगी, पहले उसको कट ऑफ भी कम, उसके बाद यहाँ पे भी उसको मिलने, ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, और उसके बाद इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर हो तो भाई फिर से 0, फिर नॉन इंजीनियर को 5, तो अगले जन्म मुझे इंजीनियर भी मत कीजो, ये भी साथ के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो आपको नॉन इंजीनियर भी रहना है और फीमेल भी हो तो बेस्ट है, फिर तो आपको बहुत पॉइंट मिलने वाले हैं। रिजर्वेशन भी है भाई, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, डैप को 5 और ईडब्ल्यूएस को 10, जनरल की तो बच गई, मतलब। तो जनरल इंजीनियर मेल जेम के लिए कितना टफ है आप समझ सकते हो, एक कॉलेज में एडमिशन लेना, बट फिर भी आपको रॉकिंग रिजल्ट दिखेंगे, अभी आगे दिखाता हूँ। एंड प्लस हमारा जो MBBS 2 नया बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 11 से, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो या आप सोच रहे हो तो आप L4E के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स, बहुत जबरदस्त बच्चे हमारे रिजल्ट्स लेके आए इस साल, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है कैट ग्रुप के ऊपर, भी आपको रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे हमारे, बहुत जबरदस्त है। तो आप जरूर से L4E को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, 11 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारा डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समर प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर समर प्लेसमेंट हाईएस्ट गई 1,70,000, एवरेज गया 48 के आसपास। ये होती है 2 महीने की जो इंटर्नशिप रहती है उसमें आपको कितना पैसा मिल रहा है, तो दैट इज गुड। फाइनल प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनको इन्होंने दिखाया परसेंट वाइज जो उनका राइज आया है, हाईएस्ट पैकेज 24% से बढ़ गया, एवरेज पैकेज 12.5% से बढ़ गया। सेक्टर वाइज स्प्लिट अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कंपनीज आपकी आईटी की यहाँ पर आई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कितने बच्चे थे बैच में, तो है 156, 91 मेल थे, 65 फीमेल थी, और ज्यादातर बच्चे बीटेक से थे। अब देखो, देखा, मेल भी ज्यादा, इंजीनियर भी, तब भी जेम जेम होता है, जेम कुछ भी कर सकता है, कर सकते नहीं कर सकते, लिखो कौन कौन है जेम, नीचे जरूर कमेंट में लिखना, ठीक है। डोमेन वाइज देखोगे तो तब भी वो ज्यादातर बच्चे आईटी वाले सेक्टर से ही आए थे, इसलिए वहां पर ज्यादातर आईटी की कंपनीज भी आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पैकेज की अगर बात करूं तो पैकेज आपका एवरेज जो जा रहा है वो 12.64 है, और हाईएस्ट जो गया है वो आपका 26.19 गया है, एवरेज ऑफ टॉप 50% इज 15.19। ये ऑफर वाला है, ऑफर का मतलब सिर्फ ये होता है कि कंपनी तो वहां आई इतना ऑफर लेके, बट बच्चे नहीं ले पाए, क्योंकि बच्चों का कह लो जो क्राइटेरिया से मैच नहीं कर पाए या फिर वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए, तो मेरे हिसाब से ये नहीं लिखना चाहिए, बट स्टिल वो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और वर्क एक्स देखोगे तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे वैसे भी आया था फ्रेशर, याद है मैं फ्रेशर की काउंट करूंगा मैं, 0 to 12 months ही है तो फ्रेशर है, ठीक है। कंपनीज कौन सी आती है, डिलॉइट हो गया, ईवाई हो गया, वेदांता हो गया, आईसीआईसी बैंक, बजाज अलायंस, अमूल, बर्जर पेंट्स, लार्सन टर्बो, HDFC, एसेंचर, कैपजेमिनी, अमेजोन, ZS, इंफोसिस, बहुत बड़ी बड़ी, सारी सारी बड़ी कंपनी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप IIM संबलपुर ज्वाइन करते हो डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट पैकेज, आपको फीस पड़ेगी 13 के आसपास, एवरेज पैकेज इज गोइंग अराउंड राइट नाउ 12.65 के आसपास, तो डेफिनेटली ROI टर्म्स में बहुत ही अच्छा है, मेरे तरफ से फुली थम्स अप, मेरे तरफ से जाना चाहिए, IIM संबलपुर आपको मिल रहा है तो ज्वाइन इट ASAP। और कौन कौन इस साल IIM संबलपुर जा रहा है नीचे जरूर से कमेंट करिएगा कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, इसका भी नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको कुछ भी पूछना होता है, क्यू कट ऑफ कुछ भी पूछना, कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, मैं भी रहता हूँ, मेरी टीम भी रहती है, तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स, कुछ पूछना हो हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हो इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरी टीम आपको पूरे कोर्स के बारे में बता देगी, साइटेस दे देंगी, या फिर आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट,
सारे सोशल मीडिया के नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।